स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूँ आपके साथ इनकी आई नजर आते हैं आज की खबर पे। यूपी की पुलिस अपनी कोई हनक बनाने के लगातार एनकाउंटर के साथ अपराधियों को जेल की हवा खिला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हनक कायम नहीं हो पा रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के बघौच घाट थाना क्षेत्र के रामनगर गांव की, जहां दो भाइयों की जमीनी विवाद में एक युवक को पकड़ने गए पुलिस के 3 कांस्टेबल पहुंचे, लेकिन युवक पुलिस की गिरफ्त में आते ही उनके साथ हाथापाई शुरू कर दिया, जिसकी पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने इस पूरी घटना की जांच सीओ को सौंप कर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। इस पूरी घटना पर पुलिस अधीक्षक एन कोलांची ने कहा कि बघौच घाट थाना क्षेत्र में एक जमीन संबंधित मामले में 3 कांस्टेबल दो भाइयों की जमीनी विवाद के संबंध में उन्हें कस्टडी में लेने गए थे, जिसमें एक भाई ने दारू पीकर किया। इसमें हम सीओ को जांच दे रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर देकर कार्यवाही की जाएगी। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहोचकर थाना एरिया में एक जमीन संबंध मामला में 3 कांस्टेबल, एक आदमी का, दो भाई का जमीन संबंध मामला है, वो दोनों का कस्टडी में लेके आने के लिए गए थे 3 कांस्टेबल थाना से। एक आदमी इसमें दारू पी करके, ऐसे ये तीनों कांस्टेबल का भी ऐसे कोई तकाम की टाइप में वो उनका अटैक करने के लिए कोशिश कर दिया, उन लोग कस्टडी में लेके आया। इसी संबंध में एक वीडियो वायरल हो गई। इस संबंध में मैं सीओ का जांच दे रहा हूं, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मिल करके आगे कार्रवाई करें। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।